ऋषिकेश और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। बाजार की वॉलेटिलिटी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा निवेश, लोगों का जो भरोसा है वो बरकरार है। हम पिछले एक हफ्ते से इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये समझना ज़रूरी है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाज़ार की उथल पुथल में भी पैसे लगा कहाँ रहे हैं, कहाँ भरोसा कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें और उससे आगे के टाइम का ट्रेंड क्या पता चलता है उस पर भी थोड़े से हम इंडिकेशंस और सिग्नल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा समझा जाए ऋषिकेश, जैसा क्षितिज ने भी बताया कि एक वॉलिटिलिटी पिछले क्योंकि हमने काफी समय से बाजार में देखी, डेफिनेटली बाजार ने अपने ऑल टाइम हाईज भी छुए, लेकिन एक अनिश्चितता का माहौल तो ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स बाजार में देखने को मिला ही है। आर्बिट्राज फंड में लोगों का आकर्षण थोड़ा बढ़ा, हमने HNIs को भी आर्बिट्राज फंड में जाते हुए बहुत ज्यादा देखा। अगेन ये सब उसी जो टाइमिंग है, ऑल बॉइल्स डाउन टू 2023 जब टैक्सेशन में बदलाव हुआ था डेट के भी, तो वो आकर्षण जो था एक बड़ा प्राइसी पॉइंट हुआ करता था एक डेट का कि हम तो टैक्सेशन के लिहाज से सुप्रीम है, वो सब कुछ खत्म हो गया, वो सब कुछ लेवल अप कर दिया गया। तो HNIs का जो आकर्षण है ये भी एक बड़ी वजह है कि वो आर्बिट्राज फंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। नमस्ते स्वाति जी, क्षितिज जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो जैसा आपने बहुत सही फरमाया कि 2023 में जब 50AA का इंट्रोडक्शन हुआ और टैक्सेशन चेंज हुआ डेट का, तभी डेट की तरफ से झुकाव निकला और अधिकतर पैसा जो डेट में जाता था वो आर्बिट्राज में जाने लग गया। कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि क्यों चेंज आया टैक्सेशन में। टैक्सेशन जो डेट में लगता था वो चेंज हो गया, इंडेक्सेशन बेनिफिट चला गया, नया टैक्स रिजीम में करीबन 30% का टैक्स लगने लग गया। रिटर्न्स करीबन डेट 6-7% के बीच में देते हैं, आर्बिट्राज फंड भी रिटर्न्स 6-7% का देते हैं, लेकिन उसका टैक्सेशन जो है वो इक्विटी लाइक टैक्सेशन होता है। इवन आफ्टर द चेंज, जो अभी चेंज आया है इक्विटी टैक्सेशन में ये बजट में आफ्टर द गवर्नमेंट वॉज फॉर्म, इक्विटी का टैक्सेशन 20% हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए और 12.5% हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, फिर भी टैक्सेशन अट्रैक्टिव होता है। रिटर्न सिमिलर है, डेट और आर्बिट्राज का रिटर्न सिमिलर है, लेकिन टैक्सेशन काफी बेनिफिशियल है। इसके लिए काफी लोग डेट का जो पैसा निवेश करते थे डेट म्यूचुअल फंड में, अभी झुकाव आर्बिट्राज फंड की तरफ हुआ है। तो ये काफी परिवर्तन होते हुए दिख रहा है अमंग द HNIs एंड UHNIs। बिल्कुल, तो एक जो डेट फंड का जो एक प्लस पॉइंट था जो टैक्सेशन के प्रति, वो जैसे ही खत्म हुआ इंडेक्सेशन बेनिफिट गया आर्बिट्राज की तरफ, वो स्पेशली जो HNIs है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वैसे निवेशक हैं, उनका आते हुए हमने देखा। बिल्कुल ऋषिकेश, यही मैं इसी बात पर मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न अगर हुआ, जैसा अभी मेंशन भी किया गया था कि रिटर्न के लिहाज से आर्बिट्राज और डेट फंड में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, टैक्स बेनिफिट हो गया, लिक्विडिटी हो गया, और किन पैमानों पर आपको लगता है कि आर्बिट्राज स्कोर्स ओवर डेट फंड, या फिर आने वाले टाइम में किसी को अपना अगर पोर्टफोलियो बनाना है एक शॉर्टर पीरियड का, वहां पर ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना है अगर, तो डेट या फिर आर्बिट्राज किसके लिए क्या सही? स्वाति जी, अगर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे क्षितिज जी ने भी सही करवाया कि एक साल के अंदर अगर निवेश करना है, अगर टाइम होराइजन एक साल से कम है, तो आर्बिट्राज में निवेश करना काफी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन अगर एक साल से ऊपर अगर आपको निवेश करना है, तो मैं ये कहूंगा कि आप टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, जो गिल्ड फंड्स होते हैं जिनकी एक निश्चित डेट होती है और मैच्योरिटी, जिसको हम टारगेट मैच्योरिटी फंड्स कहते हैं, वहां पे निवेश कीजिए। क्योंकि टारगेट मैच्योरिटी फंड में निवेश करने का और गिल्ड फंड्स में निवेश करने का कारण ये है कि सॉवरेन क्रेडिबिलिटी जो होती है और एक सॉवरेन क्रेडिट जो होता है वो हाईएस्ट होता है किसी भी कंट्री में। अगर कोई गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है तो वो सबसे हाईएस्ट क्रेडिट माना जाता है। तो एक साल से ऊपर है तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में निवेश करना चाहिए, लेकिन एक साल के भीतर अगर आपको निवेश ब्रेक करने की गुंजाइश है तो आपने आर्बिट्राज फंड्स में निवेश करना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं। रिटर्न अगर देखा जाए तो दोनों का करीबन 7% का है। टैक्स अगर आप देखो तो टैक्स आर्बिट्राज में बेनिफिशियल है, डेट में इतना बेनिफिशियल नहीं है। तो रिस्क अगर दोनों की देखें तो रिस्क जो है दोनों की करीबन करीबन सेम होती है। स्टैंडर्ड डिविएशन एक बहुत सही पैमाना है जिसे आप रिस्क मेजर कर सकते हो, तो दोनों की रिस्क करीबन
1% 1.5% की आती है। एक इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है वो आर्बिट्राज में लगने की गुंजाइश बहुत कम होती ही नहीं है, बल्कि डेट फंड्स में इंटरेस्ट रेट की वजह से जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, जैसे आपके इंटरेस्ट रेट जब घटते हैं तो प्राइसेस ऑफ द बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं एंड वाइस वर्सा, तो वो इम्पैक्ट यहाँ पे आते हुए कम दिखता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट का कुछ हिसाब यहाँ पे भी होता है, क्योंकि आप जैसे क्षितिज जी ने कहा कि आप स्पॉट मार्केट में खरीद के फ्यूचर्स मार्केट में बेचते हो, जो अवधि के लिए आप निवेश करते हो उसके लिए इंटरेस्ट रेट लगता है, तो काफी सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। लेकिन एक साल से नीचे है तो आर्बिट्राज में निवेश कीजिएगा, लेकिन एक साल से ऊपर है तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में निवेश कीजिएगा। ऋषिकेश, जरा बताइए आपकी लिस्ट ऑफ फंड्स में आर्बिट्राज में क्या खास है, कौन से फंड्स आप शामिल करने की सलाह देंगे? स्वाति जी, आर्बिट्राज फंड्स में रिस्क तो काफी कम होती है, लेकिन उसमें भी रिस्क या जोखिम जो है कम से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए। काफी सारे रिस्क होते हैं आर्बिट्राज फंड्स में, जैसे मार्केट वॉलिटिलिटी है जैसे जी ने कहा, लिक्विडिटी रिस्क हो सकती है, मार्केट लिक्विडिटी की रिस्क हो सकती है, एग्जीक्यूशन रिस्क हो सकती है, काउंटर पार्टी रिस्क हो सकती है, काफी सारी जोखिम होते हैं। उनको नलीफाई करने के लिए मैंने कुछ 4-5 फंड्स का चुनाव किया है। तो कोटक आर्बिट्राज फंड मेरा पिक रहेगा, SBI का आर्बिट्राज फंड मेरा पिक रहेगा, UTI आर्बिट्राज फंड, ICICI का आर्बिट्राज फंड, HDFC आर्बिट्राज फंड, SBI का भी एक आर्बिट्राज फंड है, SBI अपॉर्चुनिटी फंड है, उसमें निवेश करना चाहिए। तो ये 6 फंड है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे आर्बिट्राज की जोखिम कम होने की गुंजाइश होती है। तो ये आर्बिट्राज फंड है ऋषिकेश की पसंद, जिसमें कोटक का इक्विटी आर्बिट्राज फंड शामिल है, SBI का आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज फंड है, फिर HDFC का आर्बिट्राज फंड है, ICICI प्रू का एक आर्बिट्राज और UTI आर्बिट्राज फंड है, जो कि एक लिस्ट में शामिल हैं। इनफैक्ट इस मौके का फायदा तो AMCs भी उठा रही है। हमने देखा नए आर्बिट्राज फंड जो लॉन्च हुए हैं, उसमें एक सैमको का आर्बिट्राज फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया का आर्बिट्राज फंड है। अब किसी को आर्बिट्राज फंड लेना ही है तो नया फंड क्यों नहीं ऋषिकेश? मैं कहूंगा कि जैसे मैं हमेशा कहते आता हूँ स्वाति जी, कि एक ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जोखिम जिसके बारे में बात नहीं की थी मैंने पहले, वो जोखिम है फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज। क्योंकि आर्बिट्राज फंड में निवेश करने के लिए आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए टाइमिंग और कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो गलत हो गया, क्योंकि बहुत कम बेसिस पॉइंट्स के हिसाब होता है और ये 6-7% का रिटर्न बनता है, अगर फंड या फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज ना हो तो ये 6-7% का रिटर्न टूट के नीचे 3-4% भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं कहूंगा किसी ने जो ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव किया है आर्बिट्राज फंड में, वहां पे आप निवेश करो तो काफी फायदेमंद होगा। फायदेमंद तो क्या ही, ये 6-7% का रिटर्न बनाना है, लेकिन उसके लिए भी किसी का ट्रैक रिकॉर्ड हो तो उसके साथ जाइए, क्योंकि अच्छे आर्बिट्राज फंड अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, आपको नए फंड्स में निवेश करने की जरूरत है नहीं। जिसने अपना ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया है, फंड मैनेजर्स ने, AMCs ने, जहां जहां पे भी ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हुआ है वहां पे निवेश कीजिए, ना कि आप नए फंड्स में निवेश कीजिए। ओके, तो अब ऋषिकेश का एज ऑलवेज मानना है कि NFO में इन्वेस्ट करने से बेटर है एक मंझा हुआ जो फंड है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें पैसे डालिए। आपको मालूम है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फंड मैनेजर कौन है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो आपको 1-2 साल में पता चल जाएगी। वहां पर बेटर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बनती हुई नजर आ रही है। थैंक यू सो मच ऋषिकेश और क्षितिज इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए।